स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलोइड्स, ठीक है। तो आइए कुछ और क्लासिफिकेशन इसकी और सीख लेते हैं, ठीक है। क्या था टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। स्टूडेंट फिर से आगे और देख लीजिए, मल्टी मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके अगर कोलाइडल स्टेट के रेंज के जो पार्टिकल बना लेंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, अगर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से लेस है उनको अगर हम किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में डाल दें तो मिक्स होने के बाद जो ओवरऑल साइज पार्टिकल की आएगी वो क्या कहलाएगी? कोलाइडल रेंज, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखेंगे, द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल, द एग्रीगेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 1 नैनोमीटर साइज एंड फॉर्म ए स्पेसेस ऑफ कोलोइडल रेंज, ठीक है। क्या कह रहा है कि मिक्स एग्रीगेशन होने के बाद मॉलिक्यूल से एटम का जो एग्रीगेट हो रहे थे उन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से क्या थी? लेस। और मिक्स होने के बाद किस में आ गए? कोलाइडल रेंज में, ठीक है। तो द स्पेसेस विच इज फॉर्म इज कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, मल्टी मॉलिक्यूलर क्या होते हैं? जो पार्टिकल मिक्स हुए हैं उन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेस थी, बट मिक्स होने के बाद एग्रीगेट होने के बाद किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में तो उनकी साइज कोलाइडल रेंज में आ गए, उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे सल्फर सोल, गोल्ड सोल, ETC। नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी मैक्रोमोलिक्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो मीन्स होते हैं लार्ज साइज के पार्टिकल्स। तो अब की बार लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, बट एग्रीगेट होने के बाद 1-2000 नैनोमीटर में आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इजी डेफिनेशन है। तो क्या बोलेंगे? When large size atom or molecules which have more than 1000 nanometer size, ठीक है, are dispersed इन ए डिस्पर्जन मीडियम, देन ड्यू टू एग्रीगेशन देयर साइज बिकेम कोलाइडल रेंज एंड द स्पीसीज फॉर्म इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए डेफिनेशन को फिल्टर करके लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स बुक्स वगैरह में थोड़ी अटपटी डेफिनेशन है तो प्लीज नोट कर लेना। फिर से बता दूं, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज साइज के मॉलिक्यूल जिनकी साइज 1000 नैनोमीटर से लार्ज है, बट किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स होने के बाद अगर उन पार्टिकल की साइज 1-2000 नैनोमीटर में आ जाती है तो जो स्पीसीज बनी है वो क्या कहलाएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूलर, ठीक है। फटाक से नोट कर लेना इसको। थर्ड लिखिए, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स,
क्या लिखोगे? थर्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का मतलब वही है जो आपस में मिक्स हुए हैं बट किसी खास कंसंट्रेशन पे जुड़ के बड़ी साइज के अगर पार्टिकल बना लेते हैं उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, लिखिए थर्ड एसोसिएटेड कोलोइड्स। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट एसोसिएट मीन्स होता है जो आपस में एसोसिएट हुए हैं। तो क्या लिखोगे? द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम, द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ? अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होते किसी भी मीडियम पे और कम कंसंट्रेशन पे, दे बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में आयन में टूट जाते हैं। लेकिन यहां हाई अगर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टी को ये एक्सहिबिट कर लेते हैं। ठीक है, बट एट हाई कंसंट्रेशन दे कंटेन, सभी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, कोलाइडल स्टेट में आएंगे, कंटेन कोलाइडल स्टेट प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टीज तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, अपने आप ही कोलाइडल स्टेट की बन जाएंगी, क्योंकि एग्रीगेट होने के बाद इन पार्टिकल की साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाती है। ठीक है भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल हैं वही तो क्या है, एसोसिएटेड पार्टिकल। तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल। ठीक है, तो ये एग्रीगेशन पार्टिकल की वजह से वो कौन सी प्रॉपर्टी कंटेन कर लेते हैं? कोलाइडल स्टेट। और इसी को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी ज्यादा बताऊंगा क्योंकि अभी लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है स्टूडेंट। तो फटाक से नोट करो, कुछ और बता देता हूं, मिसेल भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। मिसेल क्या होती है ये फटाक से नोट करो, पहले लिख लिया? चलिए अब लिखिए मिसेल। मिसेल्स क्या होती है भाई? व्हेन एग्रीगेटेड पार्टिकल टेक प्लेस अबो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर टीके, क्राफ्ट टेम्परेचर टीके एंड अबो ए क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं उसको? CMC, दैट इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। सुन लीजिए स्टूडेंट, एसोसिएटेड जो पार्टिकल्स थे, एसोसिएटेड जो कोलाइड्स थे, वो क्या थे कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी मीडियम में डिसॉल्व होता है तो वो लो कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो पार्टिकल एसोसिएट होने की वजह से वो कोलाइड एसोसिएट कोलाइडल कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन यही एसोसिएशन, यही एग्रीगेशन किसी खास टेम्परेचर से ऊपर होता है और खास कंसंट्रेशन से ऊपर होता है तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मिसेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मिसेल, मिसेल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द CMC वैल्यू ऑफ सॉप सॉल्यूशन, साबुन का जो घोल होता है वो उसमें मिसेल बनती है और उसमें CMC वैल्यू कितनी होती है सॉप सॉल्यूशन की? 10 to the power -4 to
10^-3 मोल पर लीटर, ठीक है, सीएमसी वैल्यू इसकी मोल पर लीटर। और एक मिसेल में, हर एक मिसेल में कम से कम 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ईच मिसेल कंटेन 100 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू।